यह वीडियो बहुत ही अर्जेंटली वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही खास मैटर बातें बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप सभी की फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप सभी को कब घोषित करेंगे, कब आएंगे, एनआईएस के द्वारा जो ऑफिशियल जो घोषित कर दिया गया है। तो आइए इसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर एनआईएस ने ऐसी कौन सी तिथि जो है बताई है जो कि आप सभी का एग्जामिनेशन होंगे फोर्थ सेमेस्टर का। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डीसीएस क्लास। हमारे डीसीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए जो एनआईएस से कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लाए हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन, यदि आप भी नहीं जानते हैं तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखते रहें। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एनआईएस डीएलएड ने जो है जारी किया है 508, 509 और 510 एग्जामिनेशन की तिथि को, यानी कि हम लोग कह सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम की तिथि को जो है एनआईएस ने ऑफिशियली जो घोषित कर दी गई है। तो आइए कितने तारीख को आप सभी का एग्जामिनेशन होंगे इसी के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर देखें। जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो डीएलएड है उस डीएलएड का एग्जामिनेशन की तिथि जो तीन गो मॉड्यूल आपको सेट किए गए हैं जो कि 508, 509 और 510। तो 508 जो है सारे कैंडिडेटों के लिए पढ़ने, बट 509 और 510 जो है ऑप्शनल है, यानी कि जो साइंस के टीचर है वो साइंस वाले सब्जेक्ट लेंगे और जो आपका सोशल साइंस के टीचर है वो सोशल साइंस वाले टीचर लेंगे। यानी कि इसका जो डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 509, 510 किस प्रकार से टीचर जो है रखेंगे। इसके लिए अलग से स्पेशलिस्ट हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ऐसे मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। अगर आप हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, और नहीं अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताएं, हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करें जिसमें पूरा का पूरा जो है डिटेल्स आपको उसमें रहेंगे। उसके बाद लिखें कि विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग फरवरी मार्च 2019, यानी फरवरी से मार्च के बीच में आप सभी का जो है यह जो एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल किए जाएंगे। यानी कि फरवरी के लास्ट लास्ट में आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे और मार्च मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है चलेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि 20 से 25 के फरवरी के बीच में आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च के फर्स्ट वीक तक आप सभी का एग्जामिनेशन जो है खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखे कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप किस तिथि को होंगे और कितने तारीख को होंगे, पूरा का पूरा हमने जो है डिटेल्स आंकड़ा जो बता दिए गए। ये वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्या तो कमेंट लिख कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।